हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस में हम देखते हैं कि नेचुरल गैस में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। स्पेशली नेचुरल गैस को हम कंडीशन को देखेंगे कि किस तरह से वीकली से डेली में और आवरली में परफॉर्म करने वाला है। आप लोग नए हैं, जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आते अपडेट भी आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, जिसमें हम रेगुलर बेसिस अपडेट रहते हैं। फ्रेंड, जो भी हम यहाँ स्टडी करते हैं, एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस विच वर्क्स ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये आपको कंटिन्यूसली चेंज होती हुई आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ अगर प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो हम नेचुरल गैस का जो अमेरिकन मार्केट में न्यूयॉर्क एक्सचेंज में चेंज ट्रेड होता है, उस पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर देखोगे बुलिश पैटर्न बना रहे, दो वीक बहुत अच्छा ट्रेड रहा है। इवन जो वीक हमने क्लोज किया, इसमें जो एक दिन फ्राइडे को सेलिंग आई है, अदरवाइज कंडीशन बेटर रही है और अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है, जो क्लोजिंग इसने किया है, अगर इसको आप कंसीडर करते हैं, 2.305 के आसपास क्लोज किया है। अब इसके बाद में मार्केट के लिए जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो 2.19 है। बट स्टिल अभी जो कंडीशन है, डिमांड है, अगर इसकी बात कर लेते हैं, न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो नेचुरल गैस के विषय में जो न्यूज़ है, बुलिश मोमेंटम होल्ड करेगा अबव 2.252 पिवट लेवल के आसपास। उसके पीछे अलग अलग कंडीशन है, जो हम उसको न्यूज़ बेस भी है, और साथ में अब जो टेक्निकल एनालिसिस है, अगर इस बेस में भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, तो एक बुलिश मोमेंटम जिसने कैप्चर किया था, 2.3 के आसपास क्लोज किया है। नेगेटिव कंडीशन क्या है, ये अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है, 3.5 के ऊपर क्लोज कर ले जाता, तो हमें ज़्यादा बेटर मूव रहता। बट यहाँ पे क्लोज करने के बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो आप डेली में कंडीशन में अगर देखोगे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग एक दिन आई है। इससे पहले लगातार 3 दिन अच्छी रैली रही है। अब ये रैली बनाने के बाद में मार्केट के लिए जो हायर पॉइंट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये 2.5 जो स्टडी में और लर्निंग में दे रखा है, हम यहाँ पे 2.2 के आसपास कंसीडर करेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको ट्रेंड के साथ में जाना है। अभी यहाँ पे हम वेट करेंगे। अगर ये क्लोजिंग इसका जो ओपनिंग हुआ था, हायर पॉइंट में ओपनिंग हुआ, थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन इसको जो सेलर्स थे वो नीचे लेके आ गए। बट कंडीशन क्या है, इसकी क्लोजिंग अभी जो इम्पोर्टेंट थी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे नहीं हुई, तो ये मेजर कंसर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारे लिए जो इस वीक का कंडीशन रहेगा, हायर पॉइंट पे अगर निकलता है, तो ये जो रेंज है, ये मेजर कंडीशन रहेगी। फर्स्ट जो यहाँ पे टारगेट कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट रेंज कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ये इसके लिए अच्छा सप्लाई जोन का भी काम करेगा और इसको रोकने के लिए भी रेडी रहेगा। इनकेस इसके नीचे निकलता है और 2.3 के नीचे ट्रेड करने स्टार्ट कर देता है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे निकलता है, तो हम यहाँ पे 2.2 तक का एक्सपेक्टेशन डाउन साइड के लिए भी कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ बने रहेगी। अब इसके साथ में अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं, तो इंडियन मार्केट में जो हम सारी कंडीशन को देखते हैं, मिनी को और मेगा को, तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो मेजर कंसर्न जो बना हुआ है, एक अच्छा ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। कंडीशन यहाँ पे सिमिलर टाइप की है, जब तक कि 190 से ऊपर बना हुआ है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसकी डिटेल स्टडी हम करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अगर यहाँ पर कंडीशन आप देख रहे हो फ्रेंड, क्लोजिंग इसने 193.8 के आसपास किया है। जो यहाँ पे टारगेट अगर आप देखोगे, तो 201 तक का हमने देखा था कि यहाँ तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसने भी 3 वीक की रैली दिखाई है और अच्छा ट्रेंड रहा है। फाइनली अगर पॉजिटिव कंडीशन कवर करते हैं, तो हायर हाई का पैटर्न है और इसमें क्लोजिंग भी बेटर वे से कर रखी है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट जो है 196.6 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, एज इट इज रेजिस्टेंस के लिए वर्क करने वाला, उसके बाद 201। इनकेस डाउन साइड जाता है, तो डाउन साइड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 190 का लेवल, 188 का लेवल। इसके बाद ही फर्दर इसको नेक्स्ट पोजिशन के लिए हम देखेंगे। डेली में अगर आप देख रहे हो, तो एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ने प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस नहीं किया है, इवन बॉडी को भी पूरी इंगल्फ नहीं किया है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, एक इसके अंदर ही पूरी कैंडल बनी है, एक बिक इसने हायर साइड किया है, एक जाने कोशिश किया है,
बट कंडीशन इसको फाइनली नीचे की तरफ लेके आए। तो हो सकता है आपको एक दो दिन थोड़ा ट्रेंड डाउन साइड ले, लेकिन 188 190 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है मेजर कंसर्न नहीं रहेगा, ये हमारे अलर्ट लेवल रहेगा। इन केस एक 193 के नीचे निकलता है तो होपफुली आपको 188 ये लेवल आपको देखने को, लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा से प्राइस पैटर्न को वैलिडेट करने के बाद एंट्री करना है। अगर मंथली टाइम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 201 को जब ये ऊपर निकालेगा तो इसके लिए फिर जो जो नेक्स्ट रेंज बनती हुई देखने को मिलेगी 204 और 208 की रेंज रहेगी। 208 के बीच में जब ये पहुँचेगा तो यहाँ पे इसने जो एक फॉलिंग विंडो क्रिएट कर रखी है, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो पॉसिबिलिटी जो इस मंथ की बनी हुई है, इसमें अभी 2 वीक की ट्रेडिंग बची हुई है, इन दोनों वीक में अगर कंडीशन को आप वॉच करोगे तो ये कंडीशन आपको सबसे पहले 201 क्रॉस करनी चाहिए, उसके बाद 201 निकालने के बाद एक्सपेक्टेशन 208 तक का 207 तक का हमारा रहेगा। इसके बाद प्राइस पैटर्न को हम देखेंगे किस तरह से नेक्स्ट मूव करने वाला। इनके से करी फॉरवर्ड नहीं होता है और डाउन साइड जाता है तो 190 के बाद में आपको दोबारा से लगभग 5 से 7 पॉइंट की डाउन मूव भी देखने को मिल सकती है। इसमें फ्रेंड बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है, पॉइंट्स में होता है, 5 से 7 पॉइंट 8 पॉइंट जनरली ये करता है। जब भी बड़ा मूव करता है तो उसके बाद में आपको सेम रेंज में आता हुआ देखने को मिलता है। और ये आपको मेजर क्या रहता है, जब ये मूव करता है तो आपको ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता है, लेकिन जब ये ट्रेंड को डिसाइड नहीं करता है तो आपको उस समय अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये सडन रिवर्सल और सडन स्पाइक भी करता है, ये इसके लिए ड्रॉबैक रहता है। और आप अगर मेजर प्राइस पैटर्न को लर्न करते हुए जाते हैं तो नए हैं तो इंट्राडे का प्लान करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। पोजिशनल आप तभी चाहिए जब आप यहाँ पे काफ़ी कुछ चार्ट पैटर्न और ग्लोबल न्यूज़ के विषय में अंडरस्टैंड करने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।